So, today. Friends, में हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं कुछ चेंजेस हमें अच्छे लगते हैं जैसे हमारा बेबी हम लेकिन कुछ चेंजेस हमें इरिटेटिंग और अनकंफर्टेबल लगते हैं जैसे ऑल टाइम एरिया का पेन ही क्यों ना हो हम फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल अपडाउन भी फेस करते हैं फ्रेंड्स के आपको पता है कुछ सिम्टम्स अब कुछ चेंजेस हम पर्टिकुलर पे ही एक्सपीरियंस करते हैं अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखना आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आप अपनी बॉडी में काफी मेजर चेंजेस फील कर रही होंगी कुछ चेंजेस तो हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन कुछ चेंजेस कम्पलीटली आउट ऑफ व्लू होते हैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है आप कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को किसी और प्रेगनेंसी से कंपेयर ना करें हर फीमेल की प्रेगनेंसी अलग होती है डिफरेंट होती है इवन आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी से अलग होगी फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अगर हमें पहले से भी आइडिया हो कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे आने वाले ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या सिम्टम्स होने वाले हैं हमें पहले ही पता चल जाए तो हम शायद मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होंगे हम अच्छे से फिजिकली इमोशनली उन चेंजेस को हैंडल कर पाएंगे सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन सिम्टम्स से जो इंडिकेट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जब फर्स्ट टाइम हमारे पीरियड्स मिस होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि शायद हमने कंसीव किया होगा प्रेगनेंसी किट्स से चेक करके हम डॉक्टर से सबसे पहले कंफर्म करते हैं और ये प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में हो मुझे ये यूजुअली इवनिंग में होती थी इसमें आपको वोमिटिंग होगी या नोजिया फील होगा इसको हम डिटेल में आगे जिसका जरूर करेंगे इसके अलावा आपको एब्डोमेन पेन रहेगा क्रैम्प फील होंगे किसी किसी को जॉइंट्स में फील होता है इनडाइजेशन हार्ड बर्न फील होगा किसी फूड को लेके बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी या कोई फूड एकदम डिसलाइक होगा यूरिन ज्यादा आएगा बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन रहेगा वजाइना में भी इन्फेक्शन हो सकता है किसी किसी को बैक में पेन रहता है हम पूरा टाइम टायर्ड फील करते हैं नींद ज़्यादा आती है आप स्किन में कुछ चेंजेस फील करोगे जैसे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी इचिंग रहेगी इवन कुछ कुछ तो स्किन टैक्स भी फील करती हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको पाइल्स भी हो सकते हैं किसी किसी के आर्म्स में हैंड्स में फीट में स्वेलिंग हो जाती है फ्रेंड्स आपकी प्रेस्ट एकदम सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है इस ड्यूरेशन में उसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी रहती है फटीक फील होता है डिजीनेस होता है फ्रेंड्स ये सिम्टम सारे इंडिकेट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट है लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये सारे सिम्टम्स फील करें हो सकता है कुछ ही सिम्टम्स आपको फील हो और अगर आप लकी हुए तो आपको कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होगा और हाँ अगर आपको कोई भी सिम्टम ओवरकम करने में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा हो रही है पूरा टाइम टायर्ड फील हो रहा है ज्यादा तो आप डॉक्टर की हेल्प जरूर ले टाइम से ट्रीटमेंट जरूर लें ले। फ्रेंड्स सबसे पहले हम मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस आपको पूरा दिन में कभी भी कहीं पे भी हो सकती है ये जनरली हॉर्मोन्स के चेंज के कारण सिक्स वीक्स स्टार्ट होती है और फोर्टीन वीक के आसपास ये सेटल हो जाती है उसके बाद यू फील बेटर और फ्रेंड्स कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करने से आप मॉर्निंग सिकनेस को कम कर सकते हैं आइए वो डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं आप पूरा दिन स्मॉल अमाउंट में कोई भी फ्लूड इनटेक करें चाहे वो वाटर हो लेमन वाटर हो कोई भी जूस हो कोकोनट वाटर हो इससे आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी

आप अपनी लार्ज मील को स्मॉल मील्स में डिवाइड कर लें आप हर दो घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं मुझे भी पूरा टाइम रोज़िया फील होता था तो मैं हर दो घंटे में कुछ ना कुछ, कुछ ज़रूर खाती थी और ट्रस्ट में इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले इसके अलावा आप स्पाइसी फैटी फूड अवॉइड करें जितना हो सके रेस्ट करें जिन वमन को हाइपरमेसिस होता है मीन्स एक्सेस में और लंबे समय तक वॉमिटिंग होती है वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें उनमें में डिहाइड्रेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं आप टाइम से ही अपना ट्रीटमेंट जरूर लें फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट प्रेगनेंसी के स्टेजेस पे क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी की स्टेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर जिन्हें नहीं पता ट्राइमेस्टर क्या होते उन्हें मैं बता देती हूं प्रेगनेंसी के नाइन मंथ्स को हमने ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया है फर्स्ट थ्री तक इज फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं नेक्स्ट थ्री मंथ्स यानी फोर्थ फाइव सिक्स मंथ को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं और लास्ट के जो थ्री मंथ्स होते हैं दैट इज सेवेंथ एट्थ नाइन्थ मंथ को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करते हैं इसमें आप पूरा टाइम टायर्ड नोजियस फील करोगी

की पे प्रेशर पड़ेगा पड़ेगा जिसके कारण आपको 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 ज़्यादा आएगा बार बार जाना पड़ेगा। आपको आपकी होगी में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज्यादा बेटर फील करोगे नोज या मॉर्निंग पहले से बहुत कम हो जाएगी हो सकता है कि आप इस ट्राइमेस्टर में सिक्स के जी के अराउंड वेट गेन करो फ्रेंड्स इस ट्राइमेस्टर में आप लेस फोकस्ड होते हैं घर के कामों में ऑफिस के वर्क में आपका फोकस नहीं होता आपका मन नहीं होता इसके अलावा एस्ट्रोजन लेवल हाई होने के कारण आपको अपने हेयर और नेल्स बहुत स्ट्रांग फील होंगे इधर सॉफ्ट फील होंगे या इजिली ब्रेक हो जाएंगे ये पर्सन टू तो पर्सन डिपेंड करता है इस ट्राइमेस्टर में आपके बहुत स्ट्रांग डिसलाइक और लाइक होते हैं मेंस कोई फूड आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा और कोई फूड आपको एकदम डिसलाइक होगा एंड द लास्ट इज थर्ड ट्राइमेस्टर इसमें आप ज्यादा टायर्ड और अनकंफर्टेबल फील करोगी पूरा 9 डेज के कारण आप अननोइंग और इरिटेटिंग रहोगी इस ट्राइमेस्टर में आपका नियर 5 kg वेट गेन होगा जिसमें मोस्टली बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड का यूटरस का आपकी ब्रेस्ट का इवन आपके ब्लड का वेट इंक्लूड होता है

वो फील करोगे जो आपके मसल्स को टाइट करते हैं अब हम बात करते हैं मूड स्विंग्स के बारे में प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं कॉमन चेंजेस के कारण हमारे इमोशंस काफ़ी अप डाउन होते हैं और कह सकते हैं कि हम कई इसी की पिच स्विंग करते रहते हैं कभी तो हमें बेबी के आने से ओवर वेल्ट ओवर जॉइड फील होता है और कभी बहुत स्ट्रेस फील होता है हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके काफी स्ट्रेस फील करते हैं हमें लगता है कि बेबी के आने से कहीं हमारे और हमारे पार्टनर के बीच का रिलेशन अफेक्ट ना हो जाए आपको कभी फाइनेंस की टेंशन होगी कभी आपको लगेगा कि मैं अच्छी मदद बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी मेरा बच्चा हेल्दी होगा नहीं होगा पहला बच्चा सेकंड बच्चे को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उसे प्यार करेगा नहीं करेगा आपको लगेगा कि आपके बढ़ते वेट के कारण अब आप अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव फील नहीं हो रहे जो काम आप प्रेगनेंसी से पहले बहुत इजीली कर पा रहे थे अब वो टास्क करने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन फ्रेंड्स इतना स्ट्रेस मत लीजिए आप हर टाइम टायर्ड और मूडीनेस रहते हैं जिसके कारण हम अब ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा जितनी टेंशन आज आपको है उतनी ही टेंशन आपके पार्टनर को भी है तो आप जाए उनसे बात करें अपनी फीलिंग शेयर करें आपको भी बेटर फील होगा और आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा अब हम डिस्कस करते हैं डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा लेडीज डिप्रेशन एंगजाइटी फील करती है और इससे कहीं ज्यादा डिलीवरी के बाद जिसे हम पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी कहते हैं इवन कुछ लेडीज तो शेयर तक नहीं करती कि वो डिप्रेस उन्हें लगता है कि लोग उन उनपे हंसेंगे उनका मजाक बनेंगे लेकिन फ्रेंड डिप्रेशन आपके कंट्रोल में नहीं है कोई भी जानबूझ के डिप्रेस नहीं होता बेटर है कि आप अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर करें राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट लेने से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम या कुछ भी फील करते हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें आप हॉट टाइम डिप्रेस्ड फील करते हैं छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है इरीटेशन होता है आप अनॉइंग फील करते हैं आपको नींद प्रॉपरली नहीं आती जिन कामों में आपका पहले मन लगता था आज वो काम करने में आपको इरिटेशन होती है आपका रोने का मन करता है ओवर ईटिंग करते हो या अंडर ईटिंग करना स्टार्ट कर दिया आपने आपको खुद को या बेबी को हार्म करने का मन करता है इवन आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं अगर इनमें से कुछ भी आपको लगता है फ्रेंड्स आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और याद रखें कि अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट सो फ्रेंड देट सेट फॉर टोरे अगेन मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को किसी और प्रेगनेंसी से कंपेयर ना करें सब प्रेगनेंसी अलग होती है कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है और आप क्या क्या सिम्टम्स फील कर रहे हैं और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू